नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे लीवर के कार्य, लीवर के लक्षण और ये किन कारणों से खराब होता है। इसका आयुर्वेदिक अगर खराब हो जाए तो आयुर्वेदिक उपचार क्या है, योग क्या है लीवर के लिए। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर का जो कार्य है ये लगभग 500 कार्यों में लाभ करता है। और लीवर का जो विशेष कार्य है, जो भी हम आहार सेवन करते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को पचाने के लिए पित्त रस बनाता है, बाइल जूस क्रिएट करता है, साथ ही पोषक तत्वों एवं विटामिन्स को संग्रहित करता है तथा संक्रमण एवं बीमारियों से बचाता है। ये लीवर के मुख्य कार्य हैं। वैसे विभिन्न कार्य होते हैं लेकिन ये विशेष कार्य हैं। मित्रों, हम ये जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जब लीवर खराब हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कमजोरी आना, लीवर में स्वेलिंग होना, उल्टी आना, वजन कम होना, और ये विभिन्न प्रकार के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लीवर के, लीवर जब खराब हो जाता है तो। अब ये किन कारणों से होता है, इसके कॉजेस क्या है। देखिए, जब भी लीवर खराब होता है तो इसके विभिन्न कारण हैं, जैसे अनहेल्दी फूड। आजकल लोग गलत आहार सेवन कर रहे हैं, चाउमीन, मैगी, बर्गर, पेटी, समोसा, कचौड़ी, भटूरे, मैकरोनी, पास्ता, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या का उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। तो ये जो गलत आहार है ये हमारे लीवर को खराब कर रहा है। ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं हमारे समाज में गलत आहार का सेवन कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं, 10% लोग जो अवेयर हैं, लेकिन 90% लोग ज्यादातर गलत आहार का सेवन कर रहे हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, कभी भी हम सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, और लंबे समय तक बैठे हुए हैं, ना कोई व्यायाम कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। अगर हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में जिएंगे तो डेफिनेटली हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेरेंगी, तो इसकी श्रेणी में लीवर भी हमारा खराब होने लगता है। और किन कारणों से और खराब होता है, जैसे आजकल छोटी छोटी बीमारियों पे हम लोग अंग्रेजी दवाएं खाने लगते हैं, एलोपैथी दवाएं, जैसे किसी को सर्दी हुई, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, या हल्का लो बीपी हुआ, तो हम एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं, तो इसके कारण भी लीवर हमारा खराब हो सकता है। एलोपैथी दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण लीवर खराब होने के चांस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इन चीजों से भी बचें, हम अधिक से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का ही उपयोग करें। तो मैंने बताया लीवर खराब होने के जो कारण हैं, एक तो अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट्स, तो इन चीजों को हम व्यवस्थित करें। और मित्रों, और भी कारण होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के वायरस हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, तो इसकी वजह से भी हमारा लीवर कभी कभी खराब हो जाता है। तो इनसे बचने के उपाय क्या है, अब हम जानेंगे आयुर्वेदिक उपचार। अगर लीवर हमारा खराब हो गया है, और अगर खराब नहीं है तो हम कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रखें। तो पहले हम जानेंगे एक सरल उपचार, सफेद प्याज का रस निकाल के और सुबह शाम लगभग 2-2 चम्मच हम सेवन करें, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लीवर को ठीक करने में। और सरकलक्वाथ, सरकल काढ़ा आता है जो कि रामबाण का काम करता है, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज बताते हैं कि लीवर की किसी प्रकार की समस्या हो, अगर हम सरकलक्वाथ का प्रयोग करते हैं तो कुछ ही महीनों में लीवर हमारा ठीक हो जाता है। अब कैसे इसको प्रयोग करना है, लगभग 5 ग्राम काढ़ा और इसको 400 ml पानी में पकाएं। जब पकते पकते वो 100 ml बचेगा, 100 ml, तो उसको हम छान के पी लें, सुबह खाली पेट और शाम को भी भोजन से पहले खाली पेट। तो सरकलक्वाथ विशेष लाभ करता है लीवर को ठीक करने के लिए। और क्या है, इसी की सीरप भी आती है, आप चाहें तो लीवरा मतलब इसकी सीरप भी ले सकते हैं, 2-2 ढक्कन सुबह शाम आप ले सकते हैं पानी के साथ। और इसकी बटी भी आती है, लीवरा मतलब बटी, गोलियां भी आती हैं, गोली का भी सेवन कर सकते हैं सुबह शाम 2-2। तो लीवर की समस्या कैसी भी हो, आप लीवरा अमृत क्वाथ और लीवरा अमृत बटी और लीवरा अमृत काढ़ा
सर्वकल काढ़ा। तो ये जो काढ़ा है, सिरप है, गोलियां हैं, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। पतंजलि स्टोर पे आपको कहीं भी भारतवर्ष में मिल जाएंगी, संपूर्ण भारत में हर जिले में पतंजलि का स्टोर है। तो आप इन औषधियों का प्रयोग करें, आपको निश्चित लाभ होगा। और हम और भी औषधियां होती हैं, तो उनको भी आप अपना सकते हैं, जैसे गिलोय है, तुलसी है, आपका गोमूत्र है, ये भी लीवर के लिए विशेष लाभ करते हैं, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे योग कौन कौन से करें लीवर को ठीक करने के लिए। प्राणायाम भी होते हैं, आसन भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन प्राणायाम ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, प्राणायाम और आसनास। तो प्राणायाम कौन कौन से करें, वस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, योगाचार अर्जुनाड़ा के नाम से या अर्जुनाड़ा योगा, तो आपको ये सारे प्राणायाम डिटेल में मिल जाएंगे। तो इन प्राणायाम को आप लगभग आधा घंटा करें, वस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम। तो आधा घंटा प्राणायाम करें लगभग 30 से 40 मिनट, और आसन करें मंडूकासन, सत्संग आसन, गोमुख आसन, वक्र आसन, भुजंगासन, 5 आसन विशेष लाभकारी हैं। और भी आसन लाभ करते हैं, लेकिन 5 आप जरूर करें, एक एक आसन को 1 मिनट से लेकर 5 मिनट करें। तो आप प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, आपको निश्चित लीवर की समस्या में लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की लीवर की समस्या हो, आप वैद्य का परामर्श लेके आप आयुर्वेदिक उपचार को अपनाएं, साथ ही योगाभ्यास करें, किसी भी योग शिक्षक से सीखे, और आप चाहे तो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वह सारे यूट्यूब पे चैनल लोग बना बना के डालते हैं, बाबा रामदेव, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के भी वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखें। और नहीं तो आप सुबह उठें 5 से 7:30 के बीच में आस्था चैनल पे आता है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी का प्रोग्राम, डेली आता है। तो आप टीवी के सामने बैठ के योगाभ्यास करें, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको लीवर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जानकारी दी। इति ओम शांति, धन्यवाद।